पक्का पक्का तो हम ना ऊपर मरे ना नीचे मरे ना तो बोला है कि कुछ अधिक नहीं बस इतना दो और ऊपर न मरूं नीचे न मरूं सुन रहे हो कि कुछ अधिक नहीं बस इतना दो और ऊपर न मरूं नीचे न मरूं होता है रात तो महाराज कहने लगा मैं रात में मरूं कुछ अधिक नहीं बस इतना दो ऊपर न मरूं नीचे न मरूं बाहर न मरूं भीतर न मरूं निश में न मरूं रात में शस्त्र से मरे और ना हम 12 महीनों में मरे और ना हम नर से मरे और ना नारी से मरे। इतने वचन सुने भगवान ने कहा तथा स्तु ऐसा ही होगा। भगवान ने खुश दिल होकर के पूरे वरदान को दिया है। कहने लगा महाराज बस हमें इतना चाहिए। भगवान बोले तथा स्तु ऐसा ही होगा। इधर ब्रह्मा जी ने महाराज शंकर जी ने वरदान दे करके चले जाते हैं। इधर हिरण्यकश्यप घर आता है और रास्ते में हंसते हुए चला आता है कि अब क्या हम भगवान के समान अब तो मुझे कोई मार नहीं पाएगा। और हंस रहा है कैसे भैया हंस रहा है। हिरण्यकश्यप हंस रहा है और कहता है कि अब हम अमर हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की। राज में जाकर के कहा है कि आज से कोई ना पूजा करेगा और ना कोई यज्ञ करेगा और ना कोई पूजा पाठ करेगा ना भगवान का नाम कोई लेगा। जिस समय ये कहा है ना कोई भगवान का नाम लेगा। इन मंदिरों को फड़वा दो। कोई पूजा नहीं करेगा कोई हवन नहीं करेगा। जो हवन हवन में घी डाला जाता है ना खुद खा। कोने कोने में हुआ उसी समय ऐलान करे न कोई आज से और पूजा का संक्रम। बोले हैं कि आज से सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम लिया जाएगा हमारे अलावा और किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। उसी समय हर जगह ऐलान कर दिया है कि आज से सिर्फ मेरा नाम लिया जाएगा। आज जाकर के आधी रात का समय है महाराज और जाकर के जब इधर हिरण्यकश्यप के पहनोई थे महाराज इसने युद्ध में हरा दिया था हिरण्यकश्यप को। तो वो क्रोध में रहता था अपने बाणों से जरा करता था। जब उसने वरदान प्राप्त किए हैं तो जाकर के
आधी रात का समय है, उसी समय चला है उसका और जाकर के अपनी बहन के यहाँ पहुंचा। आधी रात्रि का समय दोनों लेटे हुए हैं और जाकर के अपने बहनोई का सिर काट लिया महाराज। और जब सिर काट लिया है और आधी रात का